नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विकी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे कार ट्यूटोरियल को वीडियो को आज 1.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं 2 महीने में और 50,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क मैंने क्रॉस कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्यार दिया इस चैनल को और उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन था कि स्टीयरिंग जो है उसको कैसे हैंडल करें फर्स्ट टाइम। तो आज ये वीडियो जो है मैं उसी बारे में बनाने वाला हूँ कि स्टीयरिंग को आप कैसे हैंडल कर सकते हो जब भी आप लर्नर हो, आपको टर्न कैसे लेना है और स्टीयरिंग के बेसिक्स में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, दो टाइप के स्टीयरिंग होते हैं बेसिकली गाड़ी में। तो फर्स्ट टाइप का स्टीयरिंग है वो है नॉर्मल स्टीयरिंग, जो कि आपने देखा होगा कि जो मतलब ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं टर्न मारने के वक्त, बहुत स्टीयरिंग घुमाते हैं। और दूसरा होता है पावर स्टीयरिंग, जो कि कार्स में एक रेगुलर फ्यूचर है आजकल और करीब करीब इसको 2003 या 4 में ये इसको मतलब बहुत लार्ज स्केल पे लॉन्च किया था कार्स में। और बेसिकली जो गाड़ियाँ सिटीज़ में चलती है जिसको ज़्यादा मतलब ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है। लेकिन जो रूरल साइड में चलती है, फॉर एग्जांपल मारुति इको है, मारुति इको में आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, उसमें नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा आपको। लेकिन ये जो मारुति वैगनर है, इसमें क्योंकि ये मोस्टली सिटीज़ में बिकती है तो इसमें पावर स्टीयरिंग का फीचर है। स्टीयरिंग को होल्ड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, तो फर्ज कर लीजिए ये स्टीयरिंग जो है वो एक क्लॉक जो है घड़ी उसके समान है। तो इसको पकड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो है 9:15 मतलब 9:15 जिसे हम कहते हैं, ये 9 यहाँ पर है और 15 मिनट्स यहाँ पर, तो ये एक तरीका है। और दूसरा है अपना ऑफिस टाइमिंग 10:10 जो कि यहाँ पर होता है 10:10 पर। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप 9:15 की पोजीशन पे ही सीखें, क्योंकि दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ लिबर्टी और आपको इसको स्टार्टिंग में आसानी होगी। तो 9:15 का पोजीशन ये है ऐसे, और जब आप 9:15 की पोजीशन में होगे तो आपका जो हाथ है वो आप रेस्ट करने का आपको यहाँ पर चांस मिल सकता है। यहाँ पर ऐसे रेस्ट करके आप आराम से 9:15 के पोजीशन में चला सकते हो। अगर आपने 10:15 के पोजीशन में चलाया तो यहाँ पर आपका हाथ ऐसा ऊपर ही रहेगा हमेशा, और इससे आपको पेन भी हो सकता है लॉन्ग रन में, अगर आप बार बार गाड़ी चला रहे हो बहुत देर के लिए तो पेन इससे हो सकता है। तो 9:15 की पोजीशन में यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और जब भी आप स्टार्ट करोगे गाड़ी सीखना तो ध्यान रखना कि हमें कभी भी जो अपना हाथ है उसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे हम कभी भी ऐसे टर्न नहीं करते। बहुत सारे लोग मतलब जो है वो ऐसे ऐसे टर्न करते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आप ये ना करें क्योंकि ये गलत तरीका है, और क्योंकि आपका हाथ का कोऑर्डिनेशन बिगड़ कर आप मतलब टर्न का आपको अंदाज नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा एक ही स्टेप फॉलो करें और पहले से ये आदत लगा लें कि आप इस वीडियो में जैसे दिखाया उसको फॉलो करें। तो चलिए, जब भी आप स्टीयरिंग को होल्ड करोगे फर्स्ट टाइम तो इसका अच्छे से एक बार फील ले लेना, और फील लेने से पहले आपको जो स्टीयरिंग जो नेचुरल तरीका है उसको होल्ड करने का वो ऐसे है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये ग्रूव भी दिया है यहाँ पर, तो इसीलिए दिया है ताकि आप आराम से आपके उंगलियों को रेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये अंगूठा जो आपका है यहाँ पर वो जाएगा ऐसे यहाँ पर, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो ऐसे ऊपर होगा। तो आपको स्टीयरिंग ऐसे होल्ड करनी है, और जब आप स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छे से फील लेना है स्टीयरिंग का, मतलब फील लेने के लिए आप ऐसे 2 से 3 बार इसको ऐसे करें तो आपको अच्छे से फील आ जाएगा। ये इस तरीके से पकड़ने का भी कुछ एक रीज़न है, बिकॉज जब आपका जो जितना भी जोर है वो आपके थंब और इससे आएगा हैंड्स के, तो ये आपको इजी पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे चला सकते हो गाड़ी, ठीक है। ये तो हर एक जो टर्न है उसको हम लोग 1/3 में डिवाइड करेंगे। 1/3 में कैसे, मतलब यहाँ पर आपका है तो आपको जब आप टर्न लोगे तो आपको ये हाथ आपका नीचे जाएगा और इस हाथ से आपको फिर जोर लगाना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो अब ये पूरा टर्न हो गया है, देखिए राइट साइड में
फिर आपको अभी मैं छोड़ दूंगा इसको, वापस से आपको नॉर्मल लाना है तो वन थर्ड वन थर्ड, वन टू थ्री, अभी हो गया नॉर्मल। अगर लेफ्ट लेना है तो राइट हैंड से आपको ऊपर ढकलना होगा इसको ऑब्वियसली, वन हाथ नीचे, टू थ्री, तो इस तरह से आप लेफ्ट ले सकते हो। वापस से राइट हैंड से नीचे, लेफ्ट हैंड से ऊपर, राइट हैंड से नीचे, लेफ्ट हैंड से ऊपर, राइट हैंड से नीचे, लेफ्ट हैंड से ऊपर, ओके। तो ये आपका हो गया स्टीयरिंग कंट्रोल। तो अभी आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि हम हर वक्त तो स्टीयरिंग को ऐसे नहीं रख सकते, मतलब स्टीयरिंग को ऐसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो गियर डालने में भी इस्तेमाल करता है। तो हमेशा टर्न लेने से पहले जो भी आपको गियर पे डालना है, जो भी सिचुएशन होगी, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, उस हिसाब से आपको पहले ही गियर चेंज करना है, ना कि टर्न लेते वक्त। तो इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस टू चेंज गियर्स वाइल यू आर टर्निंग, ठीक है। तो आपको उसको इस पर ज़रा सा ध्यान रखना, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आगे से कोई गाड़ी आ गई अचानक टर्न मारते वक्त, तो आपका जो स्टीयरिंग का है, आपका एक हाथ जो होगा वो लेफ्ट पे होगा, गियर पे होगा, तो आपको टर्न मारते वक्त दिक्कत हो सकती है और सामने से गाड़ी आपकी किसी को जाकर टकरा सकती है। तो आप, जब मैंने गाड़ी सीखी थी तो मेरे मामा ने मुझे सिखाई थी, तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने, मतलब पहले दो दिन तक तो मैं इसको ऐसे एकदम ज़ोर से पकड़ता था, और तभी उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इसको आराम से पकड़िए, क्योंकि अगर आपने ज़ोर से पकड़ा तो आप जब गियर चेंज करोगे तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल खो सकती है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्टीयरिंग है ये। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आगे का आपका जो टायर है वो स्ट्रेट है, जब भी आप पार्किंग करोगे। ऐसे सिनारियों में आपको ज़रूरी है कि आप, जो आपकी जो गाड़ी है, आपका जो टायर है आगे का, वो सीधे पोजीशन में। स्टीयरिंग स्ट्रेट रहने के तीन पोजीशन हो सकते हैं, जब भी आपका जो फ्रंट का टायर है वो सीधा है, या फिर वो या तो राइट में मुड़ा है या फिर वो लेफ्ट में मुड़ा है। तो अगर आप एक बार इसको ऐसे घुमा लेंगे तो ये हो गया सेकंड पोजीशन, और ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, और ये हो गया थर्ड पोजीशन। तो इन तीन कंडीशन में से एक कंडीशन में आपका टायर होगा। तो फिर आप कैसे इंश्योर करें कि आपका आगे का टायर सीधा? तो इसके लिए सिंपल, आपको सिर्फ फर्स्ट गियर डालना है और देखना है कि गाड़ी किस तरफ में आगे मूव हो रही है। थोड़ी सी आगे मूव करेंगे हम लोग, अभी ये फिलहाल तो लेफ्ट में है, तो आप देखिए ये गाड़ी जो है लेफ्ट में जा रही है, तो इसका मतलब कि आगे का टायर जो है वो लेफ्ट में मुड़ा है। तो इसको एक बार फिर से ऐसे कर लेंगे। अभी देखिए, क्योंकि ये गाड़ी स्टेडी है इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ आप एक बार थोड़ा सा गियर डाल के इसको आगे लीजिए और फिर वापस चाहिए तो आप पीछे भी ले सकते हो। तो इस तरह से इंश्योर होता है कि आपका जो टायर है वो सीधा सामने ही है, और इस तरह से आप अच्छे से पार्किंग भी कर सकते हो। तो थियोरिटिकल नॉलेज तो हो गया, अभी हम रियल लाइफ में टेस्ट करेंगे कि स्टीयरिंग को कैसे हैंडल करना है। तो मैं थोड़ा सा ड्राइव करूंगा आपके लिए, और आप देख लेना मैं कैसे टर्न मार रहा हूँ या फिर कैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, चलते हैं। अभी हम लोग को लेना है यू टर्न, तो देखिए आप कितना स्टीयरिंग जो है वो हल्का है। चलिए लेते हैं यू टर्न। ठीक है, तो वापस से रिवर्स गियर और फुल लेफ्ट। मैंने फुल लेफ्ट लिया है, अभी वापस से फर्स्ट गियर, फुल राइट, पूरा राइट लेने के बाद में मैं अभी ये मैंने टर्न मार लिया आपके लिए। चलिए अभी हैंडल को सीधा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही हल्का स्टीयरिंग है, तो अभी आगे जाके मुझे टोटल लेफ्ट लेना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल दूंगा कि मुझे लेफ्ट में मुड़ना है, और मैंने गियर वगैरह सब चेंज कर लिया पहले ही, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, और यहाँ पे रुकना पड़ेगा पहले। तो चलिए लेफ्ट मुड़ते हैं, ए वन टू थ्री, तो पूरा लेफ्ट टर्न हो गया। अभी इसको नॉर्मल कर देंगे वापस से सेकेंड गियर। एक हाथ आपका हमेशा स्टीयरिंग पर हो, मिनिमम जब आप सीधे चल रहे हो तो एक हाथ आपका यहाँ पर होना चाहिए। स्टीयरिंग को टाइटली नहीं पकड़ना, रिलैक्स में रह के
आराम से स्टेयरिंग को पकड़ना है ऐसे, ठीक है। बस मैंने नॉर्मली हाथ रखा है, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो स्टेयरिंग हिल के फिर आपका कंट्रोल खो सकता है। चलेंगे सीधा, अब ये वापस से हमको लेफ्ट लेना है और 90 डिग्री लेफ्ट है, तो इसके लिए हमें पूरा स्टेयरिंग घुमाना होगा। सबसे पहले लेफ्ट का सिग्नल, गियर चेंज, क्योंकि टर्न के वक्त हम गियर चेंज नहीं करेंगे, अभी सेकंड में है। चलिए 1 2, देखिए ये हो गया टर्न अभी। तो डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी कितने इस पर टर्न मारना है, तो आपको आपका स्टेयरिंग उस हिसाब से घुमाना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री टर्न होगा तो आपको 3 बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा चले और अभी हमको पार्किंग करना है, तो मुझे राइट मुड़ना है। और तो देखिए 1 2 3, और ये अब सीधा करूंगा मैं इसको। ये गाड़ी परफेक्ट पार्किंग हो गई है, सीधा कर दिया मैंने इसको। तो ये शॉर्ट मैंने आपको वीडियो दिखाया कि ड्राइव करते वक्त आपको स्टीयरिंग कैसे हैंडल करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यहाँ पर बीच में जो सर्कल है मेरी उंगली के यहाँ पर, आप उसे क्लिक करिए तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे।